आपने भारत के नए खली को देखा है, आज देखेंगे गुटखा बेचने वाले अजय देवगन को थी एक ऐसी लत जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और जोमेटो स्विगी से आपका खाना डिलीवर करने वाले लड़के कितने कमा लेते होंगे, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, द ग्रेट खली का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर आज हम आपको मिलाएंगे भारत के नए खली से। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अम्बाला के दनौरा गाँव में रहने वाले राजेश कुमार। 7 फीट 5 इंच लंबे राजेश का वजन है 152 किलो। राजेश की डाइट की बात करें तो वे एक दिन में 40 अंडे, 5 से 6 किलो चिकन, 7 लीटर दूध, 6 से 7 किलो फ्रूट्स और लगभग 30 चपाती खा जाते हैं। राजेश का कहना है कि वे WWE में भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि राजेश की माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए हिमाचल यूथ ब्रिगेड उनकी सपोर्ट करता है और उन्हें प्रमोट करता है, जिसके चलते राजेश अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाते हैं। नंबर 8, सिगरेट पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, पर कई लोग ये जानने के बाद भी स्मोकिंग की आदत को नहीं छोड़ते। पर हाल ही में अजय देवगन ने अपनी इसी आदत के बारे में कुछ ऐसा कहा जो सभी सट्टेबाजों के लिए एक सीख हो सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान जब अजय देवगन से पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें सिगरेट का एडिक्शन था, जिसे वे कम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा था जब वे दिन की 100 सिगरेट्स भी पी जाते थे, पर अब वे सिगरेट के अपने इस एडिक्शन को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। अगर अजय देवगन अपने इतने खतरनाक एडिक्शन को कम कर सकते हैं, तो कोई भी इस चीज को कर सकता है। नंबर 7, जापान सस्टेनेबल लिविंग पर काफी ध्यान देता है, जिसके चलते वो किसी भी चीज के वेस्टेज को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जापान का ये टॉयलेट। जापान के कई घरों में आपको ये टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें फ्लश के ऊपर कुछ इस तरीके का हाथ धोने का सिंक लगा होता है। जब भी कोई व्यक्ति टॉयलेट का इस्तेमाल करके इस सिंक में अपने हाथ धोता है, तो हाथ धोने में इस्तेमाल हुआ पानी फ्लश में इकट्ठा हो जाता है, जो दोबारा टॉयलेट इस्तेमाल करते टाइम यूज किया जाता है। सिर्फ इस टॉयलेट का इस्तेमाल करके जापानीज लोग हर साल कई लीटर पानी बचा लेते हैं। क्या भारत को भी जापान से सीख लेके इस तरीके के टॉयलेट इस्तेमाल करने चाहिए? अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर बताइए। नंबर 6, आजकल मार्केट में कई ऐसे केक्स मिलते हैं जिन पर आप कुछ इस तरीके से किसी की फोटो बनवा सकते हैं, पर आखिर इन फोटोज को केक्स पर बनाया कैसे जाता है, चलिए आज आपको बताते हैं। इन फोटोज को प्रिंटर से प्रिंट करके केक पर चिपकाया जाता है, पर जिस प्रिंटर से इन फोटोज को प्रिंट किया जाता है, उनमें फ्रॉस्टिंग पेपर और एडिबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते केक पर लगे इन फोटोज को आप केक के साथ भी खा सकते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे, कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, पहले के टाइम पर गाय, भैंस और बकरी का दूध मिला करता था, फिर सोया, ओट्स और बादाम मिल्क जैसे नॉन डेयरी दूध भी मार्केट में मिलने लगे, पर अब दूध बनाने के लिए सब्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। जल्द ही आपको मार्केट में आलू का दूध देखने को मिलेगा। आलू का दूध मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्वों से भरा होगा, साथ ही इसमें मौजूद स्टार्च और एंटीऑक्सीडेंट्स इसे पीने वाले व्यक्ति के डाइजेशन को अच्छा करने का काम करेंगे। क्या आप भी आलू के दूध को पीना चाहेंगे, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 4, आजकल हवा में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया कि घर में भी फ्रेश एयर मिलना बंद हो गई है। अब जो अमीर लोग हैं, उन्होंने अपने घरों को एयर प्योरिफायर से भर लिया है, पर हम जैसे मिडिल क्लास लोग फ्रेश हवा के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए आज आपको बताते हैं। मार्केट में एक पौधा मिलता है जिसका नाम है स्पाइडर प्लांट, जो कि वैसे तो काफी छोटा होता है, पर इसकी पोल्यूशन अब्सॉर्ब करने की क्षमता काफी ज्यादा है। इस प्लांट पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि ये प्लांट हवा में मौजूद हार्मफुल गैसेस को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए घर में इसे रखने से घर में मौजूद हवा अपने आप प्योरीफाई हो जाती है। अगर आप इसे नेचुरल प्योरीफायर भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। नंबर 3, चोको पाई तो आप सभी ने खाई होगी, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां चोको पाई बनाने और खाने पर पूरी तरीके से बैन है? अभी तक आपने सोच लिया होगा कि ऐसे अजीब बैन कौन सा देश लगा सकता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को चोको पाई काफी पसंद थी, पर वहां के तानाशाह किम जोंग उनको चोको पाई देखी भी अच्छी नहीं लगती थी। पर 2014 में नॉर्थ कोरिया के लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में चोको पाई बनाना और खाना शुरू किया, और किम को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो नॉर्थ कोरिया में उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और चोको पाई की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने चोको पाई पर बैन लगा दिया। इतने पागल इंसान को लोग छोटा सा काम न देने और कहा नॉर्थ कोरिया के लोगों ने इसे देश चलाने को दिया हुआ है, हद है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, हमारे देश के नेता खुद की मार्केटिंग करने में इतने माहिर होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी इनकी मार्केटिंग के सामने हार मान ले। अब इन महासे को ही ले लीजिए। इनका नाम है विट्ठल गणपत गावडे, जो 2018 के महाराष्ट्र पंचायत पोल में रंगलिंगम ग्राम पंचायत की तरफ से उम्मीदवार खड़े हुए थे। विट्ठल ने अपने चुनाव प्रचार वाले पोस्टर्स में विराट कोहली की फोटो लगाई और दावा किया कि उनकी चुनाव कैंपेन में खुद विराट आएंगे, और उनकी ये मार्केटिंग इतनी सक्सेसफुल हुई कि चुनाव कैंपेनिंग के दिन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर भीड़ को धक्का लगा तब,
जब विट्ठल ने उनके सामने असली कोहली की जगह उनका एक डुप्लीकेट लाकर खड़ा कर दिया। मतलब इतनी खतरनाक लेवल की मार्केटिंग कोई इनसे करना सीखे। विट्ठल का ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल भी हुआ। नंबर वन, जब भी आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय अपना खाना पहुंचाते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये डिलीवरी बॉय और गर्ल पैसे कैसे कमाते हैं? चलिए आज आपको बताते हैं। जोमेटो में 3 लाख से ज्यादा डिलीवरी करने वाले लोग हैं, जिनमें से 10,000 के आसपास सिर्फ लड़कियां हैं। हर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को रोज का एक टारगेट मिलता है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितनी देर फूड डिलीवरी ऐप पर लॉगिन करता है, उसे उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। यानी कि एक डिलीवरी करने वाला व्यक्ति हफ्ते में 6 दिन रोज 10 घंटे काम करके 30 से 35 हजार रुपए बना लेता है। पर डिलीवरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल, टी शर्ट, रेनकोट आदि सभी का खर्चा डिलीवरी करने वाला व्यक्ति खुद उठाता है, जिसके बाद उसके पास महीने में 20 से 22 हजार तक का प्रॉफिट बच जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।